हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलोफाइट्स के कुछ एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो हैं वो उनमें कॉर्क की लेयर पाई जाती है बाहर की तरफ, एपिडर्मिस के बाहर, और ये मल्टी लेयर्ड कॉर्क की लेयर होती है। जो कॉर्टेक्स है वो स्टिलेट या ऐसे स्टार शेप्ड सेल से मिलके बना होता है इस तरीके से, और उसमें जो रिजेस हैं उनकी वो लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन उनमें डिपॉजिशन पाया जाता है। कुछ कॉर्टिकल सेल्स में ऑयल या टैनिन या दोनों भी भरे हुए होते हैं। जो पिट सेल्स हैं दे आर थिक वॉल्ड विद पिटेड थिकनिंग ऑफ लिग्निन एंड दे कंटेन टैनिन एंड ऑयल। स्टेम की अगर हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में स्टेम की बात करें तो जो यंग स्टेम्स हैं वो इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें दिखाई देते हैं। इसमें हमें बाहर की तरफ आउटर मोस्ट जो एपिडर्मिस है उसके बाहर एक थिक क्यूटिकल दिखाई देती है, और एपिडर्मिस जो होती है वो थिकंड होती है और उसमें भी ऑयल और टैनिन पाया जाता है। हाइपोडर्मिस इज सेवरल लेयर्ड थिक मल्टी लेयर्ड होती है, और इसमें जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड सेल्स के ये हाइपोडर्मिस बनी हुई होती है। कॉर्टेक्स में कई जगह हमें एयर चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, और इसमें भी कॉर्टेक्स में भी हमें टैनिन और ऑयल की प्रेजेंस दिखाई देती है। कुछ सेल्स में हमें यहाँ स्टेम में, हेलोफाइट्स के स्टेम में कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, और ये एच शेप्ड इस तरीके से बहुत थिकनेस वाले स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं। दीज आर एच शेप्ड स्पीक्यूल्स। यहाँ आप दो जगह देख रहे हैं, कॉर्टेक्स के नीचे भी दिखाई दे रहे हैं, पिथ में भी, और ये यहाँ कॉर्टेक्स में नज़र आ रहे हैं। तो दीज आर स्पीक्यूल्स। नाउ ये स्पीक्यूल्स जो हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं कॉर्टेक्स को, और इसमें कई स्क्लेरिड्स भी होती हैं, थिक वॉल्ड सेल्स स्क्लेरिड्स भी पाई जाती हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं। स्टेम के इंटरनल एनाटॉमी में हमें स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल नज़र आती है। यहाँ ये जो पेरिसाइकिल है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, और पिथ ऑल्सो पजेसेस एच शेप्ड स्पीक्यूल्स। पिथ की सेल्स में भी टैनिन पाया जाता है, और वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। अगर हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में लीफ की एनाटॉमी की बात करें तो लीफ की एनाटॉमी में हमें क्यूटिकल दिखाई देती है, और संकन स्टोमेटा होते हैं जो कि निचली सरफेस पे ही नज़र आते हैं, और इसके अलावा जो अपर एपिडर्मिस के नीचे मल्टी लेयर्ड थिन वॉल सेल्स की मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाई जाती है, और जिसमें ऑयल और टैनिन होता है। कॉर्की एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉर्क वार्ट्स बोलते हैं, और सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो भी कुछ हेलोफाइट्स में पाई जाती हैं। अब हेलोफाइट्स के फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है हेलोफाइट्स की, उससे तो हमें ये पता लगता है कि इसमें जो हेलोफाइट्स हैं वो ज़ीरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स उनमें दिखाई देते हैं। और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में उनमें बहुत हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नज़र आता है, पाया जाता है, और जो हेलोफाइट्स होते हैं वो डिसॉल्व सॉल्ट्स का एक्सुडेशन बताते हैं, मतलब उनमें पाया जाता है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, और
दे डेवलप मैनी शेलो एब्जॉर्बिंग रूट्स. हेलोफाइट्स दे शो ज़ीरो मॉर्फिज़म. उनमें क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो हाई सैलिनिटी जो है सॉइल और वाटर की, उसको सहन करते हैं और सहन करते हैं, और जो पानी है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं. ये जो इनमें हेलोफाइट्स में सकुलेंस पाई जाती है, ये इट इज़ इंड्यूस्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन साइटोप्लाज्म एंड एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम. इट डज़ नॉट हार्म दीज प्लांट्स. जो एक्टिव अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स है वो सेल सैप की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी बढ़ा देता है इन पौधों में, और उससे ये ज़्यादा जो सेलाइन पानी है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं. अगर ये प्लांट्स लो या नो सोडियम सॉल्ट वाले एरिया में ग्रो करें तो उनमें धीरे धीरे जो कैरेक्टरिस्टिक ये सकुलेंस है इनकी, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है. कुछ जो हेलोफाइट्स हैं उनमें सॉल्ट ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि सॉल्ट सिक्रीट करती हैं, और ये जो सॉल्ट ग्लैंड्स होती हैं ये पौधे में सोडियम और क्लोराइड जो आयन्स हैं उनको अकुमुलेट नहीं होने देती, और इसलिए इनका दूसरे जो सॉल्ट्स हैं उनके साथ में बैलेंस बना रहता है. और इसी बैलेंस के कारण इन पौधों में जो लीव्स हैं वो झड़ती नहीं हैं, झड़ने से बच जाती हैं. जैसे जो टेरेस्ट्रियल एरिया में डेजर्ट में सॉल्ट डेजर्ट में जो पाए जाते हैं, जैसे स्वेडा है और टेमेरिक्स आदि प्लांट्स हैं, उनमें सॉल्ट ग्लैंड्स पाई जाती हैं. ये जो पत्तियां हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में डाइवर्सिटी पाई जाती है, और एक वेल डेवलप्ड मेसोफिल पाई जाती है जिसमें पैलिसेड टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है. और जो मुख्य इसमें निकलते हैं जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एक तो सकुलेंस का पाया जाना, और दूसरा जो ट्रांसपिरेशन को कम करने के जो उपाय हैं उसमें इनमें मोटी क्यूटिकल पाई जाती है या स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं. और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इनमें ये प्लांट्स भी कुछ कुछ जीरोफाइट्स वाले कैरेक्टर शो करते हैं, और इसके अलावा इनमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हाई सॉल्ट वाली सॉइल में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, और अगर पानी में सैलिनिटी ज़्यादा है जैसे मैंग्रोव वेजिटेशन है तो उसमें भी ये प्रॉपर ग्रो